इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस कार टाटा इंडिका को लॉन्च हुए करीब 15 साल हो चुके हैं। इस बीच टाटा मोटर्स ने कई चैलेंजेस का सामना किया, साथ ही अपने कारों को और बेहतर और वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश भी। 15 साल बाद इंडिका को रिप्लेस करने टाटा मोटर्स एक बिल्कुल नई कार ले आए हैं जिसका नाम है ज़िका। ज़िका एक छोटी हैचबैक है जो 3.7 मीटर लंबी है। इसकी स्टाइलिंग और डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये आपको पहली झलक में ही महसूस होगी। इसके फ्रंट पोर्शन में शार्प लुकिंग हेडलैम्प्स, हेक्सागोनल ग्रिल, टाटा का 3D लोगो, साथ ही इसके बॉटम में क्रोम स्ट्रिप और इसके फॉग लैम्प्स के बेजल्स भी क्रोम है। साइड से प्रोपोर्शनेट लगने वाली ज़िका में एक प्रोमिनेंट शोल्डर लाइन है जो इसे एक अच्छा कैरेक्टर देती है। साथ में 14 इंच के एलॉयज इसे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पीछे से भी ये काफ़ी बैलेंस लगती है। इसके टेल लैम्प्स शार्पली डिज़ाइन है और एक छोटा वेल इंटीग्रेटेड स्पॉयलर भी। ज़िका कुछ हाल ही में लॉन्च हुई फोर्ड फिगो की याद दिलाती है, खासकर साइड और रियर से। ज़िका के इंटीरियर्स भी बिल्कुल नए हैं और टाटा के दूसरे कारों से अलग। इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन नीट है और सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक फिनिश में है। इस सेंटर कंसोल में हार्मन का 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम लगा है जिसमें ब्लूटूथ, USB और ऑक्स भी है। स्टीयरिंग व्हील वही है जो आपने जेस्ट और बोल्ट में देखा है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल नया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और गियर इंडिकेटर भी है। फिट एंड फिनिश एक एरिया है जिसमें टाटा मोटर्स ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है और ज़िका में भी आपको यही देखने को मिलता है। स्टोरेज स्पेस की कोई कमी नहीं है। डोर पॉकेट्स में 0.5 लीटर के बॉटल्स फिट हो सकते हैं। साथ में मोबाइल फ़ोन के लिए कंपार्टमेंट और कप होल्डर्स भी हैं। बूट स्पेस 242 लीटर्स का है जो आपके एवरीडे लगेज के लिए सूटेबल है। ज़िका में दो इंजन ऑप्शंस आते हैं। पहला है 1.2 थ्री सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जिसमें 84 bhp का पावर है और दूसरा है 1.05 लीटर डीजल, वो भी थ्री सिलेंडर है और उसमें 69 bhp का पावर है। दोनों इंजन्स में लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब ये है कि सिटी में ड्राइव करने के लिए ये बहुत ईजी है, लेकिन हमें जो इंजन सबसे ज़्यादा पसंद है वो है डीजल। और वो इसलिए क्योंकि डीजल काफ़ी रिफाइंड है, इनफैक्ट पेट्रोल इंजन डीजल से ज़्यादा नॉइजी है। ज़िका में हमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो है इसकी राइड क्वालिटी। फ्रैंकली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसकी राइड क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। इसका रीज़न ये है कि सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड पे है, बैड रोड्स को और पॉट होल्स को काफ़ी स्मूथली हैंडल करती है और आपको झटके बिल्कुल नहीं लगते। अगर आपने बोल्ट या जेस्ट चलाई है तो इसका स्टीयरिंग रिस्पांस काफ़ी सिमिलर है। स्लो स्पीड्स पे इसका स्टीयरिंग काफ़ी लाइट होता है और जैसे जैसे स्पीड बिल्डअप होती है इसका स्टीयरिंग हैवी होता है। इसका नेविगेशन सिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब अपना स्मार्टफोन आप इसके साथ पेयर करते हैं तो ये आपको टर्न बाय टर्न गाइडेंस वॉइस से देता है। ज़िका में सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है और इसमें डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD और साथ ही स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स भी हैं। इसका ग्लव बॉक्स सॉफ्ट ओपनिंग है, काफ़ी स्पेशियस है और कूल्ड भी। इसमें आपके कोल्ड ड्रिंक्स और पानी काफ़ी देर तक ठंडे रह सकते हैं। ज़िका के साथ टाटा मोटर्स ने अपने आप को एक बार फिर प्रूव किया है और दिखाया है कि वर्ल्ड क्लास कार बनाने में वो किसी से कम नहीं। ज़िका शोरूम्स में बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। अब देखना यह है कि कस्टमर्स को ये कितनी पसंद आती है। वैसे हमें ज़िका ने काफ़ी इम्प्रेस किया है।